जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले ऐसी क्वांटिटी की जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, मतलब विमाहीन राशियों की अपन बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, तो मैं आपको प्रीवियस बता दूं कि उस वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा था। तो उन वीडियो में अपन ने देखा था क्वांटिटी कितनी थी आपकी, है ना, विमा निकालना अपन ने सीखा था। देखिए बताते हैं आपको। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था सबसे फर्स्ट था आपका बीमा किसे कहते हैं, इनको अपन ने देखा था, बीमा निकालते कैसे देखा था। उसके बाद में आपको मैंने वेग त्वरण और जर्क की बीमा बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको बल की बीमा बताई थी, बल की बीमा कैसे निकालते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ऐसी क्वांटिटी की बीमा बताई थी जिनकी सिमिलरली बीमा होती है, जैसे कार्य ऊर्जा, गति ऊर्जा, इनकी अपन ने बात की थी। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले ऐसी क्वांटिटी की जिसकी विमा नहीं होती है। मींस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आज की क्वांटिटी रहने वाली है वो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने वाली है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी मींस विमाहीन राशियां देखने वाले हैं। विमा हीन राशियां, सर कौन कौन सी राशियां हैं, कितनी राशियां हैं, क्वांटिटी कितनी है इनकी। तो आपको ध्यान रखना है, पूरी फिजिक्स में आपके पास में 12 ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है, 12 ऐसी राशियां जिनकी विमा नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी विमा नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विकृति की, फर्स्ट क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वांटिटी आ जाती है आपकी विकृति, विकृति विकृति, है ना। विकृति एक्चुअल में फॉर्मूला बनता है विकृति का, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई। इसको कैसे समझे अपन, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक अपने पास में कोई रोड है ना, इसकी लंबाई पहले अपन ने नोट कर ली, एल लंबाई थी स्टार्टिंग में। इसके ऊपर किसी ने आके वजन लटका दिया, है ना, यहाँ पे कुछ भार लटका दिया, वजन लटका दिया, भार लटका दिया, MG। तो साहब क्या हुआ, तो साहब इसकी लंबाई बढ़ गई, है ना, इसकी लंबाई तार की लंबाई मान लो बढ़ गई। अब तार की लंबाई बढ़ गई तो वजन तो आपने लटका ही रखा है, यहाँ वजन तो लटके रखा है MG, तार की लंबाई बढ़ी कितनी, तो सर पहले इतनी थी, अब आपकी तार की लंबाई इतनी बढ़ गई, डेल एल बढ़ गई। तो मैं कहूँ कि तार की लंबाई अब वो कितनी गई है, तो एल प्लस डेल एल होगी, तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो सर इसको बोलेंगे अपन लंबाई में परिवर्तन। ये जो डेल एल है ये कौन है आपका, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डेल एल है आपका। और वास्तविक लंबाई कितनी, ये वाली वास्तविक लंबाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लंबाई में परिवर्तन मीन्स डेल एल, वास्तविक लंबाई कितनी एल, तो लंबाई से लंबाई कट जाएगी तो इसकी कोई विमा नहीं बनेगी। तो अपन कह सकते हैं M0 L0 T0 इसकी विमा हो जाएगी, किसकी विमा, विकृति की, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। सेकंड नंबर पे अपन देखें, फर्स्ट नंबर पे विकृति था, सेकंड नंबर पे हम बात करें कोण की, एंगल। कोण क्या होता है, कोण का फॉर्मूला होता है आपका चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। डायग्राम से अगर अपन समझे तो ये ऐसे नॉर्मली कोण बना लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है आपका, थीटा एंगल है। इस कोण की बात करें अपन तो चाप क्या है यहाँ पे, तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो चाप है। एक्चुअल में चाप लंबाई है एक प्रकार की, है लंबाई है, बटा त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोल रहे हैं अपन त्रिज्या। तो चाप की लंबाई एक्चुअल में क्या है, एल ही तो है लंबाई। तो यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि जब चाप की लंबाई की बात करें, लंबाई है, त्रिज्या की भी अपन ने देखा था लंबाई होती है, दोनों कट जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका M0 L0 TG, ये क्या बन गया आपका, ये भी आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। सेकेंड नंबर पे कोण की बात कर ली, थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं अपवर्तनांक,
थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं अपवर्तनांक। एन से रिप्रेजेंट करें, अपवर्तनांक क्या होता है? एक्चुअल में अपवर्तनांक बराबर होता है सी बाई, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात क्या कहलाता है आपका? अपवर्तनांक कहलाता है। एक्चुअल में वेग कौन सी क्वांटिटी है? तो सर देखिए, अंश में भी वेग है और हर में भी वेग है, दोनों से वेग है। एक्चुअल में वेग ही तो है, प्रकाश का वेग है, ये क्या है? माध्यम में वेग, तो वेग से वेग तो कट जाएगा साहब, वेग से वेग तो कट गया। अगर कट गया वेग से वेग, तो वीमा क्या बन गई इसकी? सर इसकी वीमा बन गई आपकी m0। तो इसकी वीमा बन जाएगी आपकी अपवर्तनांक की, वेग की वीमा थी तो वेग की वीमा है आपके पास में, क्वांटिटी सेम क्वांटिटी है तो दोनों कट गए आपके पास में, तो m0 l0 क्या बन गया आपका t0। तो मैं कह सकते हैं अपन अपवर्तनांक की वीमा भी कितनी आ गई, अपवर्तनांक की वीमा भी आ गई आपके पास में m0 l0 t0। अब फोर्थ नंबर की अपन वीमा देखते हैं, फोर्थ नंबर की वीमा बन जाएगी आपकी, नेक्स्ट स्लाइड अपन ओपन कर लेते हैं, चौथे नंबर की वीमा देख रहे हैं अपन। फोर्थ नंबर पे अपन बात करने वाले हैं शक्ति गुणांक की, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक की जब अपन बात करते हैं, पावर फैक्टर को कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या, जब अपन औसत शक्ति निकालते हैं ना, पी एवरेज, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जब अपन औसत शक्ति निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ई आर एम एस, जिसको अपन वी आर एम एस भी कहते हैं, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। कोस फाई यहाँ पे क्या है आपका? शक्ति गुणांक है। तो जब मैं इस कोस फाई की बात करूंगा तो ये कौन सी है? पावर है, एवरेज पावर, औसत पावर। इसे अपन बोलेंगे ई आर एम एस आई आर एम एस फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आपका कोस फाई बन जाएगा, तो कोस फाई बराबर क्या बन गया सर? वो बन गया पी एवरेज, पी एवरेज। और ई आर एम एस आई आर एम एस को अपन बोलते हैं पी वर्चुअल, है ना, एवरेज है ना, औसत पावर, एवरेज पावर, औसत पावर बटा वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति, दोनों का अनुपात कहलाता है आपका शक्ति गुणांक। तो ऊपर भी शक्ति है, नीचे भी शक्ति है, शक्ति शक्ति क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वीमा क्या बन जाएगी इसकी? वीमा बन जाएगी आपके m0 l0 t0, m0 l0 t0। पांचवें नंबर की वीमा की अगर बात करें अपन, फिफ्थ नंबर की वीमा की अगर बात करें तो होती है वो दक्षता, दक्षता है ना, इफिशियंसी, इफिशियंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सर दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता बराबर होता है आपका आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। मींस कोई इंजन वगैरह चला रहे हैं अपन, है ना, आपके पास कोई इंजन वगैरह है, तो इंजन को आप कितनी पावर दे रहे हो, इंजन को इनपुट पावर आपने कितनी दी? तो सर इंजन को हमने पी इनपुट पावर दी, तो इंजन ने आपको कितनी आउटपुट पावर दी? इंजन ने जो आपको आउटपुट पावर दी वो कितनी? पी आउटपुट कहलाएगी। तो जो भी आउटपुट पावर है और जो भी इनपुट पावर है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका दक्षता, इफिशियंसी। जितना ये दक्षता ज़्यादा आता है आपका इंजन जो है उतनी क्या है, पावरफुल है। तो देखो दोनों में शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है दोनों में, इसका मतलब क्या हुआ सर? दोनों से शक्ति है, कैंसिल आउट हो जाएगी, m0 l0 और क्या कहलाएगा आपका t0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि दक्षता की वीमा क्या है आपकी? m0 l0 t0 है। छठे नंबर की वीमा की अपन बात करें, सिक्स नंबर की वीमा की अगर बात करें तो होता है आपका विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। ये क्या होता है? एक्चुअल में अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई, अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात। तो अनुनादी आवृत्ति होती क्या है साहब? अनुनादी आवृत्ति होती है आपकी एफ आर, बैंड चौड़ाई क्या होती है? डेल एफ। अभी एफ आर और डेल एफ, एक्चुअल में एफ आर क्या है सर? एफ आर है आवृत्ति, एफ आर क्या है? आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, डिवाइड बाय डेल एफ क्या है? आवृत्तियों का अंतर। डेल एफ क्या है? आवृत्तियों का, डेल एफ को क्या बोल सकते हैं अपन? आवृत्तियों का अंतर बोल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ध्यान, आवृत्तियों और आवृत्तियों का अंतर दोनों पे सेम डिवाइड हो रहा है ना, सेम क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे राशि कौन सी बनेगी, वीमा कौन सी बनेगी? m0 l0 t0 आपकी क्या बन जाएगी? वीमा बन जाएगी। छठी वीमा क्या होगी आपकी? जीरो जीरो,
विमा नंबर सात की अपन बात करें, विमा नंबर सात की अपन बात करते हैं तो आपका आता है सापेक्ष विद्युतशीलता। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता की विमा भी कितनी होती है आपकी, 0-0 होती है। आठवें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसकी भी आपकी जो विमा होती है वो कितनी होती है, M0, L0, T0। इन सभी की विमा भी M0, यहाँ पे लिख लो आप M0, L0, T0। इसकी भी कितनी होती है आपकी, M0, L0, T0। विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रवर्धन गुणांक, प्रवर्धन गुणांक, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धन गुणांक, इसकी भी विमा कितनी होती है आपकी, M0, L0, T0। दसवें नंबर पे आता है आपका फॉर्म फैक्टर, है ना, रूप गुणांक, रूप गुणांक, रूप गुणांक की विमा भी कितनी होती है आपकी, M0, L0, T0, M0, L0, T0, इसकी भी कितनी होती है आपकी, M0, L0, T0। अब आगे 11वें नंबर पे आ रही है आपकी पायसन गुणांक, 11वें नंबर पे आपकी पाइसन गुणांक, पाइसन गुणांक, इसकी भी विमा आपकी कितनी होती है, M0, L0, T0 होती है। और लास्ट नंबर पे आता है आपका 12वां नंबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की विमा होती है आपकी M0, L0 और T0। तो कुल मिला के पूरी फिजिक्स में 12 क्वांटिटी ऐसी है जो विमा से लेस होती है ना, जिसकी विमा नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं विमाहीन राशियां। तो विमाहीन राशियों को आज मैंने पढ़ाया था। आपको कौन सा टॉपिक और आगे पढ़ना है आप हमें कमेंट करिए, उसी टॉपिक के ऊपर हम आपको वीडियो बना कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।